हेलो स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है जेनर डायोड में, इससे पहले वाले दो तीन लेक्चर में हमने सारे वेरिएबल फिक्स्ड थे, फिर आरएल वेरिएबल बताया, फिर इसके बाद वीआई वेरिएबल किया। इस वाले क्वेश्चन में सारे पैरामीटर वेरिएबल है, ठीक है। इट मींस आपके पास देखिए क्वेश्चन कैसे रहेगा, इनमें से कोई एक सभी वेरिएबल है, सभी वेरिएबल की रेंज है, डिसाइड है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं तो वी आई की बात किया जाए, तो वी आई की भी रेंज दिया है आपको, वी आई मीन दिया है, वी आई मीन एंड वी आई मैक्स दिया है, ठीक है। सिमिलरली सोर्स रेजिस्टेंस की बात करो या आर की बात करो, तो आर भी वेरिएबल है, आर की क्या दिया है, रेंज दिया है, आर मैक्स वैल्यू दिया है एंड आर मीन वैल्यू दिया है, ठीक है। फिर अगर इसकी बात किया जाए, आई जेड की बात करें, तो आई जेड की वैल्यू आपको आई जेड मीन दिया है एंड आई जेड मैक्स दिया है। सिमिलरली अगर मैं आरएल की बात करूं तो आरएल की मीन वैल्यू है एंड आरएल की मैक्स वैल्यू है। तो इसमें क्वेश्चन कैसे बनेगा, फॉर एग्जाम्पल मैं एक एग्जाम्पल लेके आपको समझाता हूं। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपसे इसमें क्या है, आपके पास फोर वेरिएबल हैं, वी आई आर एंड आई जेड एंड आरएल, ये सभी की रेंज है। इसमें क्या करेगा, आपको क्वेश्चन क्या बनाएगा, ये देखिए, तीन की रेंज दे देगा, चौथे की रेंज पूछ लेगा। एक क्वेश्चन बना सकता है, हो सकता है वी आई आर मीन एंड आई जेड की रेंज दे दे, आर एल मीन एंड आर एल मैक्स पूछ लिया जाए। इन चारों में से कई कॉम्बिनेशन से कई क्वेश्चन बन सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आर मीन दे दे, आई जेड मीन दे दे, आर एल मीन दे दे, आर आई जेड एंड आर एल की रेंज दे दे, वी आई की मैक्सिमम और मिनिमम रेंज पूछ ले, या आपको क्या कह दे, वी आई की दे दे रेंज एंड आई जेड की रेंज दे दे एंड आर एल की रेंज दे दे, आर की मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू पूछा जा सकता है। तो इस तरह से आपको बहुत सारे कॉम्बिनेशन, एक तरह से चार टाइप्स के क्वेश्चन बन सकते हैं। वी आई को पूछा जा सकता है, आर को पूछा जा सकता है, आई जेड को पूछा जा सकता है, आर एल को पूछा जा सकता है। तो एक पैरामीटर को आपको वेरिएबल बना के और तीन पैरामीटर की रेंज देके आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल एक हम हिंट देते हैं, देखिए AK2 के पेपर में आज तक तो इतना डिफिकल्ट न्यूमेरिकल नहीं आया, लेकिन फॉर एग्जाम्पल मैं आप लोगों को ये थोड़ा से बता देता हूँ कि जैसे फॉर एग्जाम्पल आपको दे दे कि मान लीजिए इसका 20 वोल्ट से हमारा वी आई की वैल्यू मान लीजिए आपके पास 40 वोल्ट है, इसका मतलब वी आई मीन दिया है, वी आई मैक्स दिया है, ठीक है। इसी तरह आर की वैल्यू आपको दे दे 1 किलो ओम से, ये वैल्यू दे दे 2 किलो ओम, तो आर मिनिमम आर मैक्सिमम दे दिया है। इसी तरह से आई जेड की वैल्यू दे दे आपको, आई जेड की वैल्यू दे दे ये आपका 2 मिली एम्पियर है और आई जेड मैक्स 8 मिली एम्पियर है, इस तरह से दिया जा सकता है, ठीक है। इसी तरह से आपके पास आर एल की रेंज दे देगा कि आर एल की वैल्यू 250 ओम है और इसके बाद 1250 ओम है, जैसे इस तरह से हम ये हम जनरल ले लिए, ऐसे ही कोई अपने मन से ले लिए, तो इसमें क्या कर सकता है, ऐसे रेंज दे देगा, इसमें एक की रेंज नहीं देगा, वही रेंज आपसे पूछ लेगा। तो इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए इसमें सभी कुछ इंक्लूड हमने कर दिया। तो देखिए रेंज की बात तभी आएगी जब जेनर डायोड ऑन होगा, जेनर डायोड ऑन नहीं होगा तो आपका रेंज की बात ही नहीं आएगी। तो फॉर एग्जाम्पल अगर कभी भी मैक्स और मिन वैल्यू के लिए बात किया जाएगा, तो इसमें हमने एक ही स्टेप है इसको सॉल्व करने के लिए, हम जेनर डायोड को ऑन कर देंगे, फिर देखिए हम इसको कैसे सॉल्व करते हैं। जब भी ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो आप पूरी सर्किट को बनाइए, पूरे सर्किट को हमने बना दिया, ये देखिए ये आपका रेजिस्टेंस है, ठीक है, ये रेजिस्टेंस है, यहाँ पे लोड रेजिस्टेंस दिया था, तो लोड रेजिस्टेंस हमने कनेक्ट कर दिया, आरएल यहाँ पे कनेक्ट कर दिया,
ये आर दिया था और यहाँ पे प्लस माइनस क्या दिया था, वी आई दिया था। ठीक है, वेरिएबल मैं नहीं दिखा रहा हूँ, ऑलरेडी ये वेरिएबल है आप लोगों को ऊपर हम बता चुके हैं। जेनर डायोड ऑन हो जाएगा, ऑन हो जाएगा तो इसके एक्रॉस एक बैटरी बन जाएगी। ये देखिए जेनर डायोड ऑन होगा तो इसके एक्रॉस एक बैटरी बन जाएगी, ये बैटरी होगी प्लस माइनस वी जेड की। ठीक है, और आई जेड की रेंज दिया जाएगा, आई जेड मैं केवल लिख देता हूं। तो आप देखिए आप क्या करिएगा, यहाँ पे केसीएल अप्लाई करिएगा। क्या करेंगे, केसीएल, यहाँ पे आप आई आर मान लीजिए, इसमें करंट आई एल मान लीजिए, आप आई जेड मान लीजिए, सॉरी इसमें करंट आपने आई एल एज्यूम कर लिया। अब ध्यान दीजिएगा, फॉर मिन वैल्यू इसको सॉल्व करने के लिए हमने केस बना रहे हैं। ये देखिए लिखेंगे फॉर मिन वैल्यू, मिनिमम वैल्यू के लिए, मिनिमम वैल्यू के लिए क्या लिखेंगे आप, सर्किट में केसीएल अप्लाई करेंगे। केसीएल क्या कहता है, इनकमिंग करंट इक्वल टू आउटगोइंग करंट, आई आर इक्वल टू क्या हो जाएगा, आई जेड प्लस आई एल। देखिए यहां से ऐसे लिखा जा सकता है, आई जेड इक्वल टू क्या हो जाएगा आपके पास आई आर, और ये माइनस क्या हो जाएगा, आई एल। ठीक है, तो आप ध्यान दीजिएगा, अगर हमें आई जेड मीन करंट दिया है तो ये हो जाएगा आई जेड मीन, होने के लिए हमें क्या चाहिए, आई आर क्या होना चाहिए, मीन होना चाहिए, एंड आई एल की वैल्यू क्या होनी चाहिए, मैक्स होनी चाहिए। इस फॉर एग्जाम्पल ए इक्वल टू बी माइनस सी है, इसकी मिनिमम वैल्यू होने के लिए बी को भी मिनिमम होना पड़ेगा और सी को क्या होना पड़ेगा, मैक्सिमम होना पड़ेगा। तो वही कॉन्सेप्ट हम यहाँ पे लगाए हैं। ठीक है, अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, हम जानते हैं कि आई आर की वैल्यू अगर देखा जाए तो आई आर की वैल्यू होती है वी आई माइनस वी जेड बाई आर। तो यहाँ पे इस सिचुएशन में अगर आई आर मुझे मीन चाहिए, आई आर मीन के लिए, ये देखिए मैं यहाँ पे ऐसे कर देता हूँ, आई आर मीन के लिए क्या करना पड़ेगा, वी आई मीन लेना पड़ेगा, वी आई की वैल्यू क्या है, मिनिमम लेनी पड़ेगी, वी जेड फिक्स रहेगा, और आर की वैल्यू क्या लेनी पड़ेगी, मैक्स लेनी पड़ेगी, तभी आई आर मीन मिलेगा। ठीक है, सिमिलरली नेक्स्ट पेज पे देखिए, अगर मुझे आई एल की वैल्यू लेनी है, आई एल वैल्यू है वी एल बाई क्या है हमारा, आर एल है, डायोड ऑन है तो इसका मतलब यहाँ पे वी जेड आ जाएगा बाई आर एल। मुझे आई एल की मैक्सिमम वैल्यू चाहिए ना, यहाँ पे देखिएगा आई एल की मैक्सिमम वैल्यू चाहिए, तो आई एल मैक्स होने के लिए क्या होगा, वी जेड तो फिक्स है, आर एल की वैल्यू क्या होनी चाहिए, मीन होनी चाहिए। ठीक है, इस तरह से अगर सभी को एक उसमें कंबाइन कर दिया जाए तो देखो क्या होगा, आई जेड मीन, याद कुछ नहीं करना है, समझना है, आई जेड मीन होने के लिए वी आई की वैल्यू क्या है, मीन माइनस वी जेड बाई क्या होगा, आर मैक्स होना चाहिए, माइनस वी जेड बाई आर एल मीन होना चाहिए। अब इसमें इस कंडीशन में जो चीज आपको मिनिमम मैक्सिमम जो जैसे दिया है रख लीजिए, और दूसरी वैल्यू आपको कैलकुलेट कर लीजिए, वी जेड फिक्स है। ठीक है, सिमिलरली अगर हम बात करें फॉर मैक्सिमा, मैक्सिमम वैल्यू, और मैक्सिमम वैल्यू के लिए क्या होगा, सिमिलरली उसी तरह से सर्किट में जो हमने केसीएल अप्लाई किया है उसको लिखेंगे आई आर इक्वल टू क्या है, आई जेड प्लस क्या लिख देंगे, आई एल। आप लोग इस सब चीजों से फैमिलियर हैं, तो यहां से देखिए आई जेड इक्वल टू क्या हो जाएगा, आई आर
माइनस क्या हो जाएगा आई एल, आई जेड मैक्सिमम हमें दूसरा टर्म दिया है, आई जेड मैक्सिमम होने के लिए आई आर को क्या होना पड़ेगा, मैक्सिमम होना पड़ेगा, और आई एल को क्या होना पड़ेगा, मिनिमम होना पड़ेगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल ए इक्वल टू बी माइनस सी है, ये मैक्स होने के लिए बी की वैल्यू मैक्स होनी चाहिए और सी की वैल्यू मिन होनी चाहिए, ठीक है। अब इस पैरामीटर से आई आर, अभी हमने बताया कि आई आर बेसिकली क्या है, वी आई माइनस वी जेड वाई क्या है, आर। यहां से देखिए अगर हमें आई आर मैक्स चाहिए तो हमारा वी आई क्या होना चाहिए, मैक्स होना चाहिए, माइनस वी जेड तो क्या है, कांस्टेंट होना चाहिए, और आर क्या होना चाहिए, मीन होना चाहिए। तो आई आर मैक्स तो हमें मिल गया। सिमिलरली अगर हमें आई एल मीन वैल्यू चाहिए, ये देखिए वी एल वाई क्या होता है, आर एल। वी एल बेसिकली क्या है, जनरल डायोड ऑन होगा तो वी जेड वाई आर एल। लेकिन हमें तो इसमें क्या है, वी जेड तो फिक्स है, आर एल वेरिएबल है, आई एल वेरिएबल है। तो यहाँ से देखिए आई एल मुझे क्या चाहिए, आई एल मुझे मीन चाहिए। मीन होने के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, वी जेड बाई आर एल क्या होना चाहिए, मैक्स होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद हम क्या है, आई जेड, आई जेड मैक्स इक्वल टू, आई जेड मैक्स इक्वल टू वी आई मैक्स माइनस वी जेड बाई आर क्या होगा, मीन, माइनस वी जेड बाई आर एल क्या होना चाहिए, मैक्स होना चाहिए। ठीक है, तो इस तरह से हम आई जेड मैक्स भी कैलकुलेट कर लेंगे। तो इसमें कोई भी पैरामीटर या कोई भी अननोन हो उस पे आप रखते जाइए और एक कंडीशन को बताते जाइए, आप यहां से सॉल्व करके आंसर मिल जाएगा, ठीक है। तो आज की क्लास में इतना ही, थैंक यू।